जो है उसके दरमियान क्या फ़र्क है, क्या पहचान है कि जाली या मस्नूई दूध जो है इंसानी सेहत के लिए जहर कातिल है, जो मेदे और मुंह के कैंसर, हाजमे की खराबी, जिगर की खराबी, बच्चों की नशोनुमा में रुकावट और ऐसी PCO बीमारी का बायस बनता है। जब हमारी टीम ने रिसर्च की और माहरीन की राय के मुताबिक घरेलू सार्फिन दूध के मिलावट में किन तरीक़ों से पता कर सकते हैं कि इसमें मिलावट हुई हुई है, तो खालिस दूध की पहचान यह है कि इसका कतरा पॉलिश्ड और स्लाइडिंग जगह पर अगर डाला जाए तो यह आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएगा और पीछे हल्की एक लकीर छोड़ता आएगा, जबकि पानी मिला दूध जो है बगैर निशान छोड़े नीचे स्लाइड कर जाएगा। दूध में स्टार्च की मिलावट चेक करने के लिए उसमें थोड़े से कतरे आयोडीन, 3-4 आयोडीन के डालें। अगर दूध का कलर नीला हो जाए तो यह निशानी है दूध में स्टार्च की मिलावट की। यूरिया की जांच पड़ताल के लिए टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा दूध लें और उसमें आधा चमचा सोयाबीन का पाउडर डालें और फिर चंद मिनट बाद इस महलूल में लिटमस पेपर 30 सेकंड के लिए डालें। अगर लिटमस पेपर का रंग नीला हो जाए तो समझ लें कि आपके दूध में ये यूरिया पड़ा हुआ है, खाद पड़ी हुई है उसमें। 10 से 15 मिलीलीटर दूध एक बोतल में डालें और फिर उसी मकदार में पानी डालकर अच्छी तरह हिलाएँ। अगर झाग बन जाए तो ये डिटर्जेंट है, कपड़े धोने वाली चीज़ बन रही है, ये दूध नहीं है पीने वाला। दूध में डाइजेस्टिव स्ट्रिप डालें ताकि उसका रंग बदल जाए, तो ये दूध में ग्लूकोज की मिलावट की निशानी है। 3 ml दूध में 10 कतरे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के डालें और 1 चमचा चीनी का डालें, अच्छी तरह मिक्स कर लें। 5 मिनट बाद महलूल का रंग लाल हो जाए तो समझ जाएँ कि इस दूध में वनस्पति घी डाला गया है। जालसाजी और मिलावट का ये कारोबार रोज़ बरोज़ तरक्की कर रहा है, हर गुजरते दिन के साथ मुआशरे के लिए नासूर नए नए तरीके से अपने काम कारोबार को बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ उनको पकड़ना मुश्किल है बल्कि नामुमकिन। और नामुमकिन इसलिए हुआ वह है कि मैंने कहा हमारा पूरा मुआशरा जो है वो गालिबन करप्ट है, इनको कुछ नहीं करना चाहता क्योंकि हमारे ही भाई हैं, हमारे ही अपना आगे करने वाले हैं, मामे चाचे ताए, हम सब रिश्तेदार हैं, हम सब मोहल्लेदार हैं, हम सब शहरदार हैं उसमें और हम सब उसमें हिस्सेदार हैं इस जहर को जो हमने अपने